कराची में मेयर के इंतखाब से पहले ही तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात आ रहे हैं। पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों के दीगर जमातों के साथ राबते हुए ज़राए ने बताया कि 16 से ज़ायद पीटीआई बल्दियाती नुमाइंदगान पार्टी से राबितों में नहीं है। मोहम्मद अशद इस बारे मजीद बताएंगे। अशद, आपके ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखें सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला जो है वो खत्म हो चुका है। जो ज़मीनी इंतखाबात थे उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई भी नशस्त हासिल करने में नाकाम रही। अब ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि तहरीक इंसाफ पहले मरहले में ही इख्तलाफात का शिकार हो गई है। ज़राए ये भी कहते हैं कि पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों के दीगर जमातों के साथ राबते जो हैं वो शुरू हो गए और अब तक 16 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदेगान दीगर सियासी जमात जो है वो अपनी पार्टी से राबते में नहीं है, जबकि वो दीगर सियासी जमातों से जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो राबते में है। ज़रा इस हवाले से तस्दीक करते हैं। चंद रोज़ कबल पीटीआई कराची की क्यादत ने भी मुंतखब नुमाइंदों से राबते की कोशिश की थी, तहम उनका उन तमाम तर अरकान से राबता नहीं हो सका, जबकि राबता नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरद, इस बारे तफसील दे रहे थे।